बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबान का पहला जुमा दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह की बारगाह में कदीम मुकाम रखता है। जो इंसान शबान के पहले जुमे की रात इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह रहमान और 70 मरतबा सूरह नसर पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तो सूरह तुलू होने से पहले अल्लाह के गैबी फरिश्ते इंसान के पास आते हैं और इंसान की तमाम परेशानियों को अल्लाह के हुक्म से ख़त्म करते हैं, तमाम हाजतों को अल्लाह की तरफ पहुंचाते हैं। और रात के बीच में इसके घर ऐसा नूर बरसता है जिससे इसके घर में रौनक कायम हो जाती है, क्योंकि शबान का पहला जुमा अल्लाह की तरफ से ईद है। इस दिन जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो भी मांगता है इसकी दुआओं फौरी कबूल हो जाती हैं। और फरमाया, लोगों तुम में शबान का पहला जुमा आए तो खूब बात किया करो और कोशिश के करके रोज़े भी रखना चाहिए। जुमा का रोज़ा हज की कबूलियत के लिए ज़मानत होता है और शबान के पहले जुमा की रात इबादत करना बहुत ही अहम है। अल्लाह पाक सब को सच्चे दिल से इबादत करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना आ रहा है, हमें चाहिए कि इसकी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला हिम्मत की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।